नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देखना शुरू कर दिए। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया INDIA, बीजेपी वाले इसे INDIA कहते हैं। इंडिया में शामिल एक दल एक दूसरे के खिलाफ ही मुखर हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, नीतीश कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को सीरियस नहीं ले रही है। नीतीश कुमार के बाद अखिलेश यादव और फिर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं गठबंधन में तकरार पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इनका टूटना तय है, हमने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि ये लोग डर का एक तरीके से कह लीजिए, ये डर गए हैं और तब जाके एक आए। दरअसल सपा ने मध्य प्रदेश में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं आप यानी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों पर किस्मत आजमाना चाह रही है। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने कहा एग्जैक्टली क्या कहा वहां पे। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा चीफ अखिलेश यादव ने शुक्रवार यानी 3 नवंबर को कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन को धोखा दिया है। उन्होंने कहा किसी ने सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनाने में साथ दिया था तो वो थी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक। विजावर विधानसभा सीट थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों घबराई हुई थी। जो सपा का उम्मीदवार था वो आज बीजेपी का प्रत्याशी है। कांग्रेस ने जो भी प्रत्याशी बनाया उसे दूसरे जगह से बनाया, जो जीत रहा होगा उसे दूसरी जगह क्यों भेजा जाएगा। सवाल यह है कि कांग्रेस ने लेन देन कराया है। उन्होंने आगे कहा बीजेपी ने पुरानी आदत नहीं छोड़ी, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। गठबंधन को धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया, अब लोकसभा चुनाव आएगा तो उसकी बात की जाएगी। जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो है PDA, NDO को हराने का काम PDA करेगी। एमपी में बीजेपी जितने सीएम चेहरे को लेकर घूम रही है उतना संभाग एमपी में नहीं है। कांग्रेस के जो बुजुर्ग हैं उनकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में जुबानी जंग हुई थी। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए हुए दावा किया था कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मीटिंग की, इस दौरान 6 सीटों पर बात बनी लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इससे नाराज होकर उन्होंने कहा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ तो हम भी यूपी में इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आती है बारी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अकलतारा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के दौरान बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार बनेगी। 75 सालों में देश को कांग्रेस और बीजेपी ने लूटा है लेकिन हमारी सरकार देश के बारे में सोचती है और देश के विकास का काम करती है। दिल्ली में हमें 8-9 साल हो गए लेकिन हमें ना तो बीजेपी हरा पाई और ना ही कांग्रेस। अब बारी आती है बीजेपी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अब इसको अवसरवादी करार दिया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया है कि इन दिनों इंडिया गठबंधन में दिक्कत है। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पास चुनाव के कारण विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए समय नहीं है। मध्य प्रदेश में आप यानी आम आदमी पार्टी, JDU यानी जनता दल यूनाइटेड, SP यानी समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में कूद गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा अगर लड़ाई सीधी है तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल सभी पिछले 6 महीने से इंडिया गठबंधन के लिए नाटक क्यों कर रहे थे। अब बारी आती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने कहा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा दिलचस्पी है, बनस्बत कांग्रेस को आगे रखकर इसे इंडिया गठबंधन को बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम कर रहे थे लेकिन उनको अब इन सब की चिंता ही नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव हो जाएगा तो अपने आप सबको बुलाएंगे, अभी तो चर्चा नहीं हो रही है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सोमवार यानी 30 अक्टूबर को कहा गठबंधन इंडिया की हालत पतली है, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई सामने आई, ये गठबंधन के लिए सही नहीं है।
आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा समन्वय समिति की मीटिंग भी हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई खास बात नहीं हुई है। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए दलों की सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती है या नहीं। यानी अब इस बात पर संदेह किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात में भी संदेह है। हालांकि कांग्रेस के कहना है कि विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद हमारा पूरा जोर लोकसभा चुनाव पर होने वाला है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, लेकिन जहां चार बर्तन होते हैं वहां पर आवाज़ तो आनी तय है। बीजेपी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ही अपने आप को सर्वेसर्वा मानती है। कांग्रेस को छोड़ के बाकी सभी दल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लुटेरी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या इन सभी पार्टियों को एकजुट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा। कि आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।